हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में हम बात करने वाले हैं जो आज ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल जेन्यून क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो पूरे लेसन को ध्यान से देखिएगा। जिन दोस्तों का आगे पेपर है वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को आपको रीड कर लेना है, ठीक है? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा पूरे लेसन को। पहले हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, बाद में देखेंगे कि आगे किस टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव वगैरह है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है आज कि डोनाल्ड ट्रंप किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो आप ये तो सभी को जहाँ पता होगा, जो अमेरिका है उसी के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है? एक यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से शरीर में कौन सा एसिड नहीं बनता है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से होगा इसका आंसर, ठीक है? जो भी ऑप्शन था उसके अंदर चार ऑप्शन, उसमें से जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जैसे कि HCl वगैरह बनता है, इस तरीके से इसका आंसर था। उसके बाद में देखिए, आवर्त सारणी में हॉरिजेंटल लाइंस को क्या कहते हैं। जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है, एक वर्टिकल लाइंस होती है, ठीक है? हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस होती है, इनको क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जो आवर्त सारणी में देखिए, हिंदी में मैं बता देता हूँ, एक तो जो यहाँ पे इसको हॉरिजेंटल को क्षैतिज लाइन कहते हैं हिंदी में, ठीक है? क्षैतिज लाइन कहते हैं हिंदी में, और इनको क्या कहते हैं दूसरी भाषा में, आवर्त कहते हैं या फिर पीरियड्स कहते हैं। ये यहाँ पर पूछा गया कि जो यहाँ पर क्षैतिज लाइन होती है आवर्त सारणी में, उनको क्या कहते हैं, तो पीरियड या आवर्त उन्हें कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इनकी संख्या पूछी जा सकती है, आपको ध्यान रखना है संख्या कितनी होती है इनकी, सात होती है। नंबर ऑफ जो है लाइंस जो है होती है कि कितनी होती है, सात होती है। इसी तरीके से जो इसके अंदर वो दूसरे जो वर्टिकल होते हैं, स्तंभ होते हैं जिनको, वो कितने होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है 18 होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट पेपर शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि जो वर्टिकल लाइन्स होती है उनको क्या कहते हैं, तो उन्हें ग्रुप कहते हैं, और कितनी होती है संख्या में, 18 होती है। तो ये तरीके से अभी आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट एक सत्य नडेला किस कंपनी के CEO है, तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ठीक है? और उसके बाद में एक पूछा गया था, फिल्म महोत्सव 2018 का विषय क्या था। तो देखिए, यहाँ पे ये कौन सा फिल्म महोत्सव पूछा गया था, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो इस तरीके से जो भी जिन दोस्तों ने पेपर दिया है, आप कमेंट कर सकते हैं कि किस कौन सा फिल्म महोत्सव पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है? तो उसका थीम यहाँ पे बताना था आपको। SBI के CEO पूछा गया था, तो अभी CEO और जो चेयरमैन है SBI की, वो रजनीश कुमार है अभी प्रेजेंट में, ठीक है? उसके बाद में देखिए, चेयरपर्सन भी जैसे कि यहाँ पे पूछा जा सकता है, रजनीश कुमार है। हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, मुंबई में है। फाउंडेड डेट पूछी जा सकती है, 1 जुलाई 1955 है इसकी। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसके लिए। कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में पूछी पाई जाती है, अधातु पूछी गई यहाँ पे। देखिएगा, काफी बार धातु पूछी जाती थी LPU वगैरह में, लेकिन यहाँ पे अधातु पूछी गई है, तो आपका आंसर यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। अगर धातु पूछी जाती है यहाँ पे, तो पारा होता आपका आंसर, ठीक है? जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ये दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन मिलता है यहाँ पे एग्जाम में, तो इसे आप जरूर देखिएगा। पेटीएम के CEO पूछे गए हैं, तो रेणु सेट्टी जो है पेटीएम के CEO, 23 मई 2017 से प्रेजेंट तक ये चल रहे हैं रेणु सेट्टी, ठीक है? इसके रिलेटेड यहाँ पे पूछा जा सकता है, इसके पेटीएम के फाउंडर पूछा जा सकता है, तो विजय शेखर शर्मा जो है इस पेटीएम के फाउंडर है। और पेटीएम के फाउंडेड डेट पूछी जा सकती है 2010। हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है पेटीएम का, नोएडा में है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद में देखिए, भ्रूण को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, ये बायो का क्वेश्चन है। तो गर्भनाल द्वारा होता है, जो भ्रूण होता है गर्भाशय में, उसको जो भोजन है वो कहाँ से मिलता है, जो गर्भनाल होती है उसी के द्वारा मिलता है, ठीक है? एक यहाँ पे पूछा गया था, देखिए साइंस का क्वेश्चन है, ऊपर से समान वेग से गिरती हुई अवस्था से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है? जो भी जो, मतलब किस तरीके से वो गति करती हुई नीचे आएगी, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर है, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, वो पूछा गया था। तो अभी प्रेजेंट में कौन है, अक्षय कुमार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ पे, उसके बाद में पूछा गया था V=IR से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे जो करंट दे रखा था, रेजिस्टेंस दे रखा था, और उसमें आपको वोल्टेज निकालना था। तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या करते हो आप, V=IR, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। काफ़ी बार ALP में भी खूब पूछा गया है, और इस बार भी पूछा जाएगा। जिन दोस्तों का आगे पेपर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे I पूछा जा सकता है, इससे I भी निकाल सकते हो आप, R भी निकाल सकते हो। R निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे I इधर हो जाएगा और R इसके नीचे चल जाएगा, तो I=V/R हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कैसे भी घुमा सकते हो आप इस फॉर्मूले को, और कैसे भी वी भी निकाल सकते हो, करंट भी निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस भी निकालते हो, वोल्टेज वगैरह, ठीक है, सब निकाल सकते हो इसे। उसके बाद में देखिए, रविशंकर प्रसाद के पास अभी प्रेजेंट में कौन सा मंत्रालय, ये पूछा गया था। तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून मंत्रालय जो है वो है रविशंकर प्रसाद के पास, ठीक है? ये सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून मंत्री कौन है अभी प्रेजेंट में, रविशंकर प्रसाद है। तो जितने भी मंत्री हैं वो आप देख लीजिएगा। पेन का यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया था, तो पेन का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो यहाँ पे पूछा गया था रीजनिंग के अंदर, ये आपको देख लेना, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। देखिए, मैथ्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो मोस्टली जो मैथ में जो CISI से उससे
काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जो पाइप एंड टंकीज वगैरह जो है उस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग की, तो रीजनिंग के मोस्टली कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन अब तक पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो इस तरीके के आप पैटर्न्स को देख सकते हैं। सो नेक्स्ट जो शिफ्ट की क्वेश्चंस होंगी, जो भी मेरे को ऑफिशियल क्वेश्चंस मिलते हैं वही मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो अभी के इस लेसन में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे के अपडेट्स के साथ सब्सक्राइब भी कर ले अपने चैनल को, साथ ही जो घंटी बटन है उसे दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी बिना मिस। सो अभी के इस लेसन में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।